हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था. आज हमारा सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है. इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के. ये 14 प्रिंसिपल्स हैं फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और इनको लर्न करने का लर्निंग टिप है आपका डिसाइड USA O USSR. D for division of work, E for equity, C for centralization and decentralization, I for initiative, D for discipline, E for equity, esprit de corps, U for unity of command, S for subordination of individual interest to general interest, A for authority and responsibility, O for order, U for unity of direction, S for scalar chain, S for stability of tenure of personnel, and R for remuneration. ये आपका learning tip है. इसमें आपके 14 principles के name आपको learn हो जाएंगे. Yes, first principle है principle of division of work. क्या बताता है principle ये? According to this principle, whole work must be divided into small units. हमें पूरे वर्क को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करना है. एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, ओनली वन यूनिट इज असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. इसका मतलब क्या है ये हम डायग्राम में समझेंगे. ये हमारा टोटल टास्क है, हमें इसे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना है. और सिर्फ एक पर्सन को पूरा वर्क देने की बजाय हमें सिर्फ उसको एक यूनिट ही असाइन करनी है. जैसे स्कूल में टीचर्स हैं तो टीचर जो है, एक ही टीचर जो है सभी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाएगी. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे इंग्लिश के टीचर है तो उसको हम उस इंग्लिश के टीचर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इंग्लिश में है तो हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाने का ही वर्क असाइन करेंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल टास्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और एक ही पर्सन को सारा वर्क देने की बजाय हम उसे वन यूनिट ही असाइन करेंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. सो व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों में बैलेंस होना चाहिए. जितनी अथॉरिटी दी गई है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उतनी ही अथॉरिटी मिलनी चाहिए. क्यों होना चाहिए ऐसे? Obviously, because if there will be more authority than responsibility, then there will be misuse of authority. अगर authority ज्यादा हो जाएगी responsibility से तो उसका misuse होगा, और अगर responsibility ज्यादा हो जाएगी authority से so the person will not be able to complete the work. So both should go hand in hand, means दोनों में equality होना चाहिए. जैसे हम picture में देख भी रहे हैं, जितनी अथॉरिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्शन मैनेजर को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट दिया गया है और उसे जो रॉ मटेरियल परचेज करने का की अथॉरिटी दी गई, उसे 150 यूनिट की रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी दी गई है, तो वो जो उसे 50 यूनिट ज्यादा मिली है परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल अथॉरिटी, उसे जो 50 यूनिट की ज्यादा मिल रही है वो उसे मिसयूज भी कर सकता है. तो उसे अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर को 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उसे 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ही अथॉरिटी दी जानी चाहिए, उतना ही रॉ मटेरियल यूज करने के लिए उसको अथॉरिटी दी जानी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए. जैसे स्कूल है, आप स्कूल में देखते ही हो डिसिप्लिन फॉलो होता है, मींस रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड एंड इट इज टू बी फॉलोड बाय द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट आल्सो. सो ऑर्गेनाइजेशन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए. सो इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली ऑन पार्ट ऑफ वर्कर बट ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट पर्सन्स ऑल्सो. कि ये सिर्फ ये वर्कर्स के लिए नहीं होना चाहिए डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन वर्कर्स के साथ साथ मैनेजमेंट के लिए भी होनी चाहिए. एंड इट रिक्वायर गुड सुपीरियर एट all levels and clear and fair agreement, and there should be application of penalties also. अगर कोई discipline rules and regulations follow नहीं करता है तो उसके लिए penalties भी होनी चाहिए. Next is principle of unity of command.
According to this principle, employees should receive order from one boss only. If they will receive order from more than one boss, they will get confused. ये आपको डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है. राइट अप्रोच क्या है, ये जो रेड से है ये सुपीरियर है और ये ग्रीन वाले जो है सबऑर्डिनेट है. सो सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. दिस वन इज राइट अप्रोच एंड दिस वन इज रॉन्ग अप्रोच. If subordinates are receiving order from more than one bosses, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर wrong approach हम लेंगे तो इसमें क्या होगा, employees get confused, subordinates confused हो जाएंगे कि वो किसका order माने और किसका order ना माने. जैसे एक student के लिए, अगर एक ही student को दो teachers पढ़ा रही हैं, तो एक teacher कहेगी कि वो मेरा work करे, दूसरी teacher कहेगी कि आप मेरा work करो, तो student जो है वो confused हो जाएगा. सेम ऑर्गेनाइजेशन में होता है दैट एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली. इफ दे विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस दे विल गेट कंफ्यूज्ड और साथ में ईगो क्लैशेस भी होंगे सबऑर्डिनेट्स में कि सॉरी सुपीरियर्स में कि अगर आपने एक सुपीरियर का ऑर्डर माना और दूसरे का ऑर्डर नहीं माना तो उन दोनों में ईगो क्लैशेस होंगे. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड वन प्लान. Each group of organizational activity have the same objective should be directed by one manager using one plan. कि जैसे मान लो एक कंपनी है वो कार्स में भी डील कर रही है, बाइक्स में भी डील कर रही है और अदर प्रोडक्ट्स में भी डील कर रही है, तो उसके लिए कार यूनिट्स का अलग प्लान होना चाहिए, अलग ही मैनेजर होना चाहिए, बाइक्स यूनिट्स का अलग प्लान होना चाहिए और अलग ही मैनेजर होना चाहिए उसका. सो वन हेड वन प्लान मीन्स आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है. जो एक ऑब्जेक्टिव जिन जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज का सेम ऑब्जेक्टिव है शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान ओनली. सिक्स प्रिंसिपल है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेकन प्रायोरिटी. जनरल इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. सो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को हमारे प्रायोरिटी देनी है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. मतलब हमें सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना, हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखना है. हमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को सुपरसीड करना है ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सो द प्राइमरी फोकस इज ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन दोज ऑफ इंडिविजुअल. हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करना होना चाहिए. This applies at all level, entire organization, including the managers. जैसे मान लो कोई situation चल रही है organization में कि financial crisis चल रही है, तो अगर employees को अपने 1 month की salary उसके लिए sacrifice करनी चाहिए तो उन्हें sacrifice करनी चाहिए. Means क्या है कि हमारे को organization interest, general interest को supersede करना चाहिए. Individuals को सिर्फ अपने interest के बारे में नहीं सोचना चाहिए. ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि organizational interest जब बढ़ेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप ही पूरे हो जाएंगे. जब ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो करेगा तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल्स को ज्यादा सैलरी चाहिए होती है, बोनसेस चाहिए होते हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो उनका इंटरेस्ट अपने आप ही पूरा हो जाएगा. तो इसलिए हमें जनरल इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए. सेवन प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज शुड बी फेयर for both employees and organization. Organization or employees, दोनों के point of view से remuneration fair होना चाहिए. Employees के point of view क्या होना चाहिए remuneration के लिए, employees का point of view क्या होता है, the employee should be paid fair wages which should give them a reasonable standard of living. Means उनको कम से कम इतना wages मिलना चाहिए जिससे वो अपने standard of living ढंग से कर सकें. और दूसरी तरफ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. की रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए जो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंडर हो, मींस कंपनी उसे पे कर पाए. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है हमने, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू को भी और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी. एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि उन्हें ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए, इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो अपना एक रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके उसे. और कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू रेम्यूनरेशन का, कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंडर, कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंडर ही रेम्यूनरेशन होना चाहिए.
Thank you. Stay home, stay safe.